बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, और इसमें टॉपिक शामिल होंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर एक्सरसाइज 1, 2.3 के क्वेश्चन नंबर होंगे 1 से लेकर 4 तक। तो ये इंशाल्लाह ताला आज हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, और इस इक्वेशन में a, b और c ये कोफिशिएंट्स हैं। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b, और लास्ट x^0 का कोफिशिएंट होता है c। जबकि इसको सॉल्व करने के लिए जो आप x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो x की जो वैल्यूज आती हैं वो होते हैं इसके रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। अगर आप जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, x की वैल्यू आती है -b + √b² - 4ac/2a, तो एक इसका रूट होगा -b + √b² - 4ac/2a, और इसका दूसरा रूट होगा -b - √b² - 4ac/2a। तो ये x की जो 2 वैल्यूज आती हैं ये इसके रूट्स होते हैं। अब हम इस टॉपिक में पहले ये डिस्कस करेंगे कि रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या आपस में रिलेशन आता है। अब फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, एक्स की वैल्यू होती है -b + √b² - 4ac/2a, तो ये 2 रूट्स को हम नेम दे देते हैं। इफ α = -b + √b² - 4ac/2a एंड β = -b - √b² - 4ac/2a, ये 2 रूट्स हैं। पहले मालूम करना है कि सम ऑफ रूट्स क्या आ सकता है। तो सम ऑफ रूट्स पहले कर लेते हैं, इन 2 रूट्स का प्लस को सम किया, अब इसमें 2a एलसीएम होगा। जब 2a एलसीएम होगा तो फिर ये न्यूमिरेटर में आ जाएगा -b + √b² - 4ac + आएगा ब्रैकेट में -b - √b² - 4ac/2a। नेक्स्ट टाइम में आप यूं करें कि ये जो सेकंड ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है, तो ये ब्रैकेट आप खत्म कर दें प्लस से मल्टीप्लाई करके, तो नेक्स्ट टाइम में फिर आ जाएगा -b + √b² - 4ac - b - √b² - 4ac/2a। अब ये देखिए, ये है +√b² - 4ac, और ये एंड में है एक टर्म -√b² - 4ac, ये प्लस और माइनस वाली टर्म्स कैंसिल होगी, तो बाकी b - b रह गया, b - b होगा 2b, तो 2b/2a, 2b कैंसिल हो गया। इस तरह सम ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला फिर हमारे पास बन गया, तो सम ऑफ रूट्स होगा -b/a, b होगा x का कोफिशिएंट और a होता है x² का कोफिशिएंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर अगर आपने डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा तो आप कर लोगे -b/a। इसी तरह आप फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये 2 रूट्स की प्रोडक्ट लिख दी। अब इसको ब्रैकेट्स में अगर लिखें तो -b + √b² - 4ac (-b - √b² - 4ac/2a)(2a) आ गया। ओके, एक बड़ा फंडामेंटल फार्मूला आपने पढ़ा है, वो फार्मूला होता है a + b (a - b) = a² - b². ये वही फॉर्म आ रही है -b + √b² - 4ac (-b - √b² - 4ac). एनी हो, यहाँ a² - b² का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इनको मल्टीप्लाई करने के लिए,
वो आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस हो जाएगा सेकंड टर्म स्केयर। तो ये फिर आ जाएगा माइनस बी स्केयर माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी स्केयर। ओके, जो माइनस बी का स्केयर होगा माइनस स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो बी स्केयर माइनस ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल कर दो, तो माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर फोर ए स्केयर। नेक्स्ट टाइम में आपने ये करना है कि ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें और ये ब्रैकेट फिर खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा माइनस बी स्केयर, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा बी स्केयर, और माइनस माइनस प्लस फोर ए सी ओवर फोर ए स्केयर। तो ये बी स्केयर माइनस बी स्केयर कैंसिल हो गया, फोर ए सी ओवर फोर ए स्केयर, फोर से फोर कैंसिल कर लें, ए की एक पावर ओवर से कैंसिल हो जाएगी, सी आ गया, तो फिर प्रोडक्ट और रूट्स के लिए फार्मूला बन गया सी ओवर ए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपने प्रोडक्ट और रूट्स फाइंड करनी होगी तो आप सिंपली कर लें सी ओवर ए। सी जो है वो लॉस कोफिशियंट होता है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, तो वहां से आप सी ओवर ए करोगे तो वो जो इसके रूट्स हैं उनकी प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। अब इसके बाद है जी एक्सरसाइज, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। और देखिए इसमें ए बी और सी पहले अलग करके लिख लें। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होता है, ए की वैल्यू यहाँ पर वन है, एक्स का कोफिशियंट बी है तो बी की वैल्यू है माइनस फाइव, और लास्ट कोफिशियंट सी है और सी की वैल्यू है थ्री। लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अभी अभी आपने डिराइव किया है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो अब यहां वैल्यू पुट कर ले, माइनस बी की वैल्यू है माइनस फाइव, तो माइनस इंटू माइनस फाइव ओवर ए की वैल्यू है वन। तो फिर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या बन गई है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है कितनी, फाइव। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला भी आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है सी ओवर ए, सी की वैल्यू है थ्री, ए की वैल्यू वन, तो थ्री ओवर वन इक्वल टू थ्री, ये आ गई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बहुत ईजी है क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो। इसमें ए इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू सेवन, सी इक्वल टू है माइनस इलेवन। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, माइनस सेवन ओवर थ्री, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है सी ओवर ए, सी की वैल्यू है माइनस इलेवन और ए की वैल्यू है थ्री, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला बन गया माइनस इलेवन ओवर थ्री। थर्ड पार्ट है जी पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो। इसमें ए की वैल्यू है पी और बी इक्वल टू है माइनस क्यू और सी की वैल्यू है आर। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, बी की वैल्यू है माइनस क्यू, तो माइनस इंटू फिर आ जाएगा माइनस क्यू ओवर ए की वैल्यू है पी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सम ऑफ रूट्स वैल्यू क्या बनी, क्यू ओवर पी। और यहां पर देखिए, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसी पार्ट में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू आर, पी ए की वैल्यू पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गई आर ओवर पी। इसी तरह फोर्थ पार्ट भी सिंपल है, ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो।
अब देखिए, एक तो ए बी सी जो है ना वो फार्मूले में आते हैं, वो ए बी सी होते हैं, और एक ये इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी लिख दिए गए हैं, इसलिए हमने दोनों में डिफरेंस करने के लिए ये करेंगे कि ये जो ए बी सी फार्मूले में निकलने वाले यूज करने हैं उसको हम फिर ए डैश कह देंगे, क्योंकि ए तो ऑलरेडी आ चुका है ना। ए डैश हम कह देते हैं ए प्लस बी, बी डैश हम कह देते हैं ये जो एक्स का कोफिशियंट है माइनस ए उसकी वैल्यू है, और सी डैश की वैल्यू है बी, जो लास्ट कोफिशियंट कॉन्स्टेंट कोफिशियंट होता है वो सी होता है। एनी हो, अब इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होगा माइनस बी डैश ओवर ए डैश, तो माइनस बी डैश की वैल्यू ए, ए प्लस बी सॉरी माइनस ए ओवर ए प्लस बी, तो ए ओवर ए प्लस बी आ गया सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए, लेकिन यहां पर आ जाएगा सी डैश ओवर ए डैश, ये फार्मूला आ गया बी ओवर ए प्लस बी। ये फोर पार्ट्स हो गए हैं। अब फिफ्थ पार्ट, अब क्वेश्चन है ए एल प्लस एम ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इक्वल टू जीरो। देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वो ए होगा, ए की वैल्यू आ गई एल प्लस एम, और जो एक्स का कोफिशियंट है वो बी है, तो बी की वैल्यू आ गई एम प्लस एन, और लास्ट कोफिशियंट सी जो है उसकी वैल्यू है एन माइनस एल। तो इफ अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स आर इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस इंटू एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, यही इसका आंसर आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, तो एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। सिक्स पार्ट देखिए, सेवन एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एम एक्स प्लस नाइन एन इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट जो है ए है, उसकी वैल्यू है सेवन, एक्स का कोफिशियंट होता है बी, तो बी की वैल्यू है माइनस फाइव एम, और लास्ट कोफिशियंट सी है, सी की वैल्यू है नाइन एन। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस फाइव एम ओवर सेवन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू बन गई फाइव एम ओवर सेवन। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू नाइन एन ओवर ए की वैल्यू सेवन, तो ये आंसर आ गया नाइन एन ओवर सेवन। तो ये इस क्वेश्चन फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू जो है ये इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग के लिए, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर के इक्वल जीरो इज, यानी सम ऑफ रूट्स जो है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेकंड पार्ट है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज थ्री ओवर टू टाइम दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बच्चा ये इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है, जो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है वर्डिंग में, वो गौर से समझनी होती है, और उस में से आपने फिर इसकी जो इक्वेशन है वो बनानी होती है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये फिर अच्छी तरह एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ दोबारा। देखें पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर के इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें आप लिख लें ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू है टू के, ओके। तो बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, और सी की वैल्यू है फोर के। इफ अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर आ जाएगा सम ऑफ रूट्स आएगा, फार्मूला जो बार बार हम यूज कर रहे हैं माइनस बी ओवर ए, तो माइनस इन टू माइनस थ्री ओवर टू के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई थ्री ओवर टू के। अब आप फाइंड कर लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी ओवर ए इसका फार्मूला है, तो फोर के ओवर टू कैंसिल होकर आ गया टू,
ये आ गई प्रोडक्ट और रूट्स। सम आपने निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, अब इसके बाद क्या करना है ये गौर से सुन ले। कंडीशन में लिखा हुआ था कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ रूट्स जो आपने निकाला है वो प्रोडक्ट का ट्वाइस है, यानी टू टाइम है। ये वर्ड ही पूरी बेस है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। आपने सिंपल करना है सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही सारा इसकी रिक्वायरमेंट है कि जो सम ऑफ रूट्स आया ना आपके पास अल्फा प्लस बीटा वो प्रोडक्ट का ट्वाइस है, यानी टू टाइम अल्फा बीटा के इक्वल है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली हम लिख रहे थे, ये देखिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमने नहीं किया, ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर ही सारा कुछ बताया था कि आपने सम ऑफ रूट जो है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है, वही हमने काम कर दिया। ओके जी, अब सम ऑफ रूट था 3/2 के इक्वल टू आएगा टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू थी 2, अब 3/2 के इक्वल टू आ गया टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी टू टाइम्स 2, तो 3/2 के इक्वल टू आएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 के जो ओवर में है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और इक्वल टू में फिर आ जाएगा 3, तो 2 के मल्टीप्लाइड बाई 4 8 के इक्वल टू 3। सो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 8 के मल्टीपल है, इक्वल टू आ जाएगा 3/k, सो k की वैल्यू आ गई 3/8। इसी तरह बहुत सिमिलर सेकंड पार्ट भी है, आपने सम और प्रोडक्ट तो सेम उसी तरह ही फाइंड करने है। ये देखिए इक्वेशन है गिवन, a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू है 3k-7 और c की वैल्यू है 5k। सो इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स फाइंड कर ले। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a, तो -(3k-7/1), तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3k+7, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूला c/a, तो इक्वल टू आ गया 5k/1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए रिलेशन आ गया 5k। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कि इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, दोबारा गौर से देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको ये दो बातें मैंने हाईलाइट करानी है, चीज सारी समझ आ जाएगी। सम ऑफ रूट्स, ये है सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये है सारी इसकी रिक्वायरमेंट फार्मूला कंडीशन जिसे आपने सॉल्व करना है। आपने यू करना है कि इसमें सेकेंड पार्ट में जो सम ऑफ रूट्स आया है उसको इक्वल टू कर देना है 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमने कुछ नहीं किया, सारा कुछ उन्होंने खुद ही बता दिया था। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट था -3k+7 इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 5k, सो -3k+7 इक्वल टू हो गया 15/2, ये 3 5s are 15k/2 आ गया। अब बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये जो 2 है इसने मल्टीप्लाई होना है -3k+7 के साथ, और 15 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 15k फिर इक्वल टू आ गया 2 × -3k+7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो 15k इक्वल टू आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × -3 − 6k आ गया +2 7s are 14। इसके बाद आ जाएगा जी 15+6k, ये -6k है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आए तो ये आ जाएगा 15k+6k हो जाएगा इक्वल टू 14। अब 15k+6k होता है 21k, तो 21k इक्वल टू 14, तो k की वैल्यू आ जाएगी 14/21। 7 से इसको कैंसिल कर दें, 7 से कैंसिल करोगे तो 7 2s are 14 और 7 3s are 21, सो k की वैल्यू आ गई 2/3। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड के इफ फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 इज इक्वल्स 0 इज 2। चलें पहले तो सम और प्रोडक्ट तो सेम उसी तरह निकाल लिया ना, ये गिवन क्वेश्चन लिख दी। अब इसमें जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू है 4k, बी की वैल्यू है 3k और सी की वैल्यू है -8। इफ अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट का फार्मूला होगा -b/a, तो -3k/4k, k कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -3/4। इसी तरह अब आप फाइंड कर लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होगा c/a, तो c की वैल्यू है -8, तो -8/4 के कैंसिल होने के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है -2/k। अब इसकी कंडीशन क्या थी, ये है कंडीशन सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल है, ये है कंडीशन के जो रूट्स के स्क्वेयर का सम है, रूट अल्फा बीटा है ना, उनके स्क्वेयर का सम आएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, रूट्स के स्क्वेयर हो गए अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर, और फिर इन रूट्स के स्क्वेयर का सम करना है और वो रूट्स के स्क्वेयर का जो सम है वो इक्वल टू 2 कर दे आप। ये देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 2, ये कर दिया, और अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की जाहिर है हमारे पास वैल्यू नहीं है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा। बच्चों ये फार्मूला बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज में यूज होना है बार बार, जिस तरह आपने फार्मूला पढ़ा था a² प्लस b² इक्वल होता है a + b² -2ab, ये बार बार फार्मूला यूज होना है, अच्छी तरह याद कर लें। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा, ये इसको इसके इक्वल कर दिया इक्वल टू। अब अल्फा प्लस बीटा आ रहा है उसकी वैल्यू भी है हमारे पास, और इसमें अल्फा बीटा आ गया है उसकी भी वैल्यू है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे -3/4, तो अब ये हो जाएगा -3/4 का स्क्वेयर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर था तो अब उसकी जगह पर आ जाएगा -3/4 स्क्वेयर, -2 × α/β है तो अल्फा बीटा की वैल्यू -2/k है, तो ये आ जाएगा -2 × -2/k = 2। ये -3/4 का स्क्वेयर करोगे, एक तो बात है कि माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाता है, 3/4 का स्क्वेयर हो जाएगा 4/16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/k = 2। ठीक है जी, इसके बाद फोर ओवर के और जब 9/16 को राइट साइड में ले गए, राइट साइड में आ गया फिर 2 - 9/k 4/k फिर इक्वल टू आ गया, राइट साइड से आपने दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट के दरमियान सब्ट्रैक्शन है, इसका एलसीएम ले ले 16 आ गया एलसीएम, तो 16 एलसीएम है, इधर आ जाएगा फिर 32 - 9 4/k = 23/16। के की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ, 23 के आ गया इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ इक्वल टू 64 आ गया, तो के फिर इक्वल टू आ जाएगा 64/23, के की वैल्यू फाइंड होगी। और इसी तरह सेकंड पार्ट था, हाँ ये सेकंड पार्ट है, इक्वेशन गिवन है अब (x²−2kx)((2k+1=0), a की वैल्यू इसमें 1, b की वैल्यू है -2k और c इक्वल टू है 2k+1। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला वही जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये होता है -b/a, तो -(−2k/1), तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2k। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है c/a,
तो 2k प्लस 1 ओवर 1, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू आ गई है 2k प्लस 1, और कंडीशन ये गिवन थी कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स, और से सुनने सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स इज 6 इज इक्वल टू 6, यानी रूट्स है अल्फा और बीटा, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 6, ये है सारी कंडीशन, यहाँ से इसका सोल्यूशन आना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल टू 6, अब अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बार बार फार्मूला आएगा इस इक्वेशन में, एक पर एक ही बार याद कर लें। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2k स्क्वेयर हो गया माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 2k प्लस 1 इक्वल टू 6, तो 2k का स्क्वेयर हो गया 4k स्क्वेयर, माइनस 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू 6। अब यू करें कि राइट साइड में जो प्लस 6 है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लें, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6, फिर उसके बाद आ जाएगा 4k स्क्वेयर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये फिर 4k स्क्वेयर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल 0, 4 कॉमन कर लो, के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2 इक्वल 0, ये इक्वल टू में 0 होने की वजह से 4 कैंसिल हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन बन गई है के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0, अब इसके फैक्टर बना लें आप, के स्क्वेयर फैक्टर बनाने आपको काफी प्रैक्टिस है, आप इस तरह के चैप्टर 1 में आप सीख चुके हो, इसके फैक्टर बन जाएंगे के स्क्वेयर प्लस के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल 0 आ जाएगा। आप देखो फर्स्ट दो टर्न में से कॉमन निकालना है आपने, के के कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में आ जाएगा के प्लस 1, और फिर नेक्स्ट दो टर्न में से कॉमन आ रहा है माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा के प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब के प्लस 1 दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीपल है दोनों टर्म्स के साथ, इसको कॉमन निकालो, के प्लस 1 कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा के माइनस 2 इक्वल टू 0, अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल 0, के प्लस 1 इक्वल 0 और के माइनस 2 इक्वल 0, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 और इस हिस्से से के की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब फाइंड पी इफ फर्स्ट पार्ट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इक्वल 0 डिफर बाई यूनिटी। एक्सप्लेन करते हैं, पहले सम और प्रोडक्ट और रूट्स फाइंड कर ले। गिवन क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इक्वल 0, इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 1 और c की वैल्यू है पी स्क्वेयर। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है माइनस पी ओवर a माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 1, तो सम ऑफ रूट्स के वैल्यू बन गई a प्लस b को आ गया 1, और सिमिलरली प्रोडक्ट और रूट्स का फार्मूला है c ओवर a, तो यानी प्रोडक्ट और रूट्स के लिए बन गई वैल्यू पी स्केयर ओवर 1 इक्वल टू पी स्केयर, ये आ गई प्रोडक्ट और रूट्स। अब गिवन कंडीशन ये है, गौर से सुन लें कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है डिफर बाई यूनिटी, डिफर बाई का मतलब होता है उन रूट्स में डिफरेंस, यानी अल्फा माइनस बीटा ये डिफरेंस है, डिफर बाई यूनिटी का मतलब ये है कि उनका जो डिफरेंस है वो यूनिटी के इक्वल है, और यूनिटी का मतलब होता है 1, तो मतलब ये कि इन रूट्स का डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा वो इक्वल टू है यूनिटी के, यानी इक्वल टू है 1 के, यही है सारी कंडीशन इसको सॉल्व करने के लिए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये जो गिवन कंडीशन थी।
अब हम क्वेश्चन वन और क्वेश्चन थ्री को ऐड कर लेते हैं, यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये दो लीनियर क्वेश्चन बन गई है तो इनको प्लस करेंगे, बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो एडिंग क्वेश्चन वन एंड टू, ये क्वेश्चन वन टू ऐड करेंगे तो प्लस बीटा माइनस बीटा से कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, टू अल्फा इक्वल्स हो जाएगा टू, अल्फा इक्वल्स आ जाएगा वन के इक्वल। और ये अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन वन में पुट कर लें या इक्वेशन थ्री में कर लें तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन ये थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वन। अब वहां पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, वो वन आ गई है तो वन प्लस बीटा इक्वल्स वन आ गया, तो बीटा आ जाएगा इक्वल्स टू वन माइनस वन, तो बीटा की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू जीरो। ये बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू फाइंड होगी, बीटा की वैल्यू फाइंड होगी। अब ये दोनों जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं ये आप पुट डालें इक्वेशन नंबर टू में, क्योंकि हमने तो पी की वैल्यू निकाली ना, तो इक्वेशन टू में पी आ रहा है। ये देखो अल्फा बीटा इक्वल्स पी स्क्वायर है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, यहाँ पुट करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर टू, अल्फा बीटा इक्वल्स टू वन के इक्वल था, पी स्क्वायर था, तो अल्फा की वैल्यू वन, बीटा की वैल्यू जीरो इक्वल्स पी स्क्वायर, तो ये फिर आ गया जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू आ जाएगा पी स्क्वायर, या लिख लें पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो अगर पी स्क्वायर इक्वल जीरो है तो पी की वैल्यू भी जीरो होगी, अगर पी स्क्वायर जीरो है तो पी भी इक्वल टू जीरो के इक्वल आएगा। ये आंसर आ गई पी की वैल्यू का। और अब है जी इसका सेकंड पार्ट, इसमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इक्वल जीरो, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू है थ्री और सी की वैल्यू है पी माइनस टू। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होगा माइनस पी ओवर ए माइनस थ्री ओवर वन, सो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर वन बन गई। और अब फाइंड कर लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसका फार्मूला होता है सी ओवर ए, तो ये आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फिर आ जाएगी पी माइनस टू ओवर वन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी फार्मूला बन गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा इक्वल्स टू पी माइनस टू। अब सारी कंडीशन आपको बताते हैं जिससे आंसर आना है। कंडीशन ये थी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस क्वेश्चन के जो रूट्स अल्फा बीटा हैं, डिफर बाय टू। डिफर बाय का मतलब होता है उनका डिफरेंस, यानी रूट से अल्फा और बीटा उनका डिफरेंस आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टू है। ये देखिए सारी कुछ आपको समझ आ जाएगी, जो वैल्यू आपने निकालनी है कि रूट्स का जो डिफरेंस है वो टू के इक्वल है। ये है सारी इसकी कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिफरेंस ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू टू के इक्वल, ये लिख दिया जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टू। नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड थ्री, ऐड किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस थ्री, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टू। फिर बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा तो कैंसिल हो गए, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, टू अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस वन। अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर टू, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। ये अल्फा की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर लोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस थ्री, अल्फा की वैल्यू पुट करें तो माइनस वन ओवर टू प्लस बीटा इक्वल्स टू आ गया माइनस टू। फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी ये माइनस थ्री, और ये जो माइनस वन ओवर टू है ना लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में ले जाए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन ओवर टू, टू एलसीएम आ गया माइनस सिक्स प्लस वन, तो बीटा की वैल्यू फिर आ गई माइनस फाइव ओवर टू, बीटा की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन वन में पुट कर लें तो पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू जो है ना ये आने थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू,
हाँ जी, उसमें वैल्यू पुट की तो माइनस वन, इक्वेशन नंबर टू ये देख ले, इक्वेशन नंबर टू हमारे पास सी, जिसमें यहाँ हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर टू, ये है अल्फा बीटा इक्वल टू पी माइनस टू। तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, माइनस वन ओवर टू इंटू माइनस फाइव ओवर टू, अल्फा बीटा इक्वल टू पी माइनस टू था तो माइनस वन ओवर टू इंटू माइनस वन ओवर फाइव इक्वल टू पी माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव ओवर फोर इक्वल टू आ गया पी माइनस टू, तो ये माइनस टू है लेफ्ट साइड में आकर हो जाएगा प्लस टू, तो फोर इसका एलसीएम ले लें, जब फोर एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा फिर फाइव प्लस एट ओवर फोर, तो फाइव प्लस एट होता है थर्टीन, थर्टीन ओवर फोर इक्वल टू पी, या लिख लें पी इक्वल टू थर्टीन ओवर फोर। तो ये फोर क्वेश्चन शामिल थे इस लेक्चर में, इंशाल्लाह ताला आपको जरूर इसकी समझ आएगी और मुझे 100% उम्मीद है। तो इसके साथ ही फिर खुदा हाफिज़।